केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। डोंट पैनिक इन दिस पैंडेमिक, बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। गेट योर कोविड-19 शॉट्स। जो अब तक कितने पेशेंट्स इन पेशेंट्स आए थे हमारे पास? तकरीबन अब तक 125 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए। 125 जी। जो आपको मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स भी थे हमारे पास एडमिट होने के बाद, उनको अच्छा ट्रीटमेंट करको और तकरीबन उनका जो ड्यूरेशन था 10 से 15 दिन के अंदर अब 125 पेशेंट्स अब तक डिस्चार्ज हो गए। अब इसमें जो है डेथ रेट कुछ? बिल्कुल 0% मॉर्टैलिटी। 0% 0% मॉर्टैलिटी। एक भी डेथ हमारे हॉस्पिटल में लोगों नहीं। रेमडेसिविर यूज़ कर रहे हैं जी? रेमडेसिविर जरूर यूज़ कर रहे हैं। हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, पेशेंट लाना पड़ता है या हॉस्पिटल से ही? हमें इंडेंट करके मंगाना पड़ता है। गवर्नमेंट इंडेंट डाल के मंगा जी, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में करको है। अक्सर देखा गया कि इंडेंट डालने के बाद भी जो है हॉस्पिटल तक जो है वो इंजेक्शन पहुँचना बहुत देर हो रहा था, तो ऐसी कुछ हालात आपको पेश आने? ऐसे हालात इनिशियली पेश आए, लेकिन जब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हमारे साथ कोऑपरेट करें जी। और उन आँख को जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मुआयना करें, हमारे पूरा मैनेजमेंट उनको समझाएं जी, तो उनको देखें कि भाई हमारे हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत है करके, तो उसका फ्लो ईजी होगा हमारा जी। तो रेमडेसिविर और बड़ा एडवांटेज क्या होगा करके बोले तो रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग बहुत चले अक्सर पच्चीस तीस हज़ार तक चले, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल जो रेट पर हमें मिलता था वो रेट पर हमें पेशेंट्स को देते थे। जैसा जैसा हमें कभी 3,000 को मिला, कभी 2,000 को मिला, फिर वक्त 1,300 को मिल रहा है, लेकिन जो रेट को हमें मिलता था वो रेट को हमें पेशेंट को अवेलेबल करते थे। हमें गरीबा के वास्ते सहूलत के अतबार से रेमडेसिविर मिला और रेमडेसिविर का अच्छा यूज़ करें और रेमडेसिविर का फ़ायदा भी हो। आपने कहा कि 100 से 125 पेशेंट जो है अब तक जो है यहाँ पे जो इलाज किए हैं, तो अगर हॉस्पिटल अगर और बड़ी होती तो शायद पेशेंटों का फ्लो और ज्यादा हो सकता था जी। हो सकता था। तो ऐसा भी हुआ होगा कि पेशेंट जो है जगह ना मिलने की वजह से कहीं दूसरी जगह भी गए हो? एक दो पेशेंट्स को ऐसा करना पड़ा बस, जब बिल्कुल इस पीक पर था कोरोना, हमारे पास 45 बेड्स अवेलेबल है तो 45 फुल बेड्स हमें यूटिलाइज करने के बावजूद भी कोई पेशेंट्स आए, बहुत सारे पेशेंट्स, तो उनको दूसरे हॉस्पिटल को रेफर करना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वैक्सीनेशन हर एक को लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसे लियो। और छोटे मोटे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ये सिर्फ वे वैक्सीन के वैक्सीनेशन सच नहीं, कोई भी वैक्सीन लिया तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो कोई लिया तो भी उसके छोटे मोटे 3 दिन के बाद बुखार आना, हाथों पाँव में दर्द होना, ये सब होता है सोचे, तो इसमें भी होता है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इसका फ़ायदा बहुत है। और जो वैक्सीनेशन ले को ही उनको सामने चल को अगर कोरोना हो भी जाता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोरोना नहीं होता, अगर कोरोना हो भी जाता है तो बहुत सीवियर नहीं होता, होम आइसोलेशन और मिनिमम मेडिसिन के साथ सही हो जाता है, आईसीयू से बच सकती है कॉम्प्लिकेशन से बच सकती। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाए हैं क्या जो आपकी हॉस्पिटल में जो है वैक्सीनेशन हमें गवर्नमेंट के जरिए से यहाँ पे लोगों को सहूलत होगी, कुछ ऐसे बारे में आपने सोचा? हमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के टच में ही हमें उनको रिक्वेस्ट भी करके हैं, जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो भी करके हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अभी हमारे हॉस्पिटल को अवेलेबल करने में थोड़ा टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन अवेलेबल होता है, तब हमें लोकल कम्युनिटी को वैक्सीनेशन भी अवेलेबल दे सकते हैं। चलो, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी तक जो है 100 से 125 पेशेंट जो है आपके अस्पताल में आकर जो है इलाज कराए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक पेशेंट के ऊपर जो है कितना खर्च आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे हॉस्पिटल में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि 9 लाख को प्रॉफिट में चलाना, बहुत कम खर्च में हमें मरीजों का इलाज करने का मुसम्मम इरादा करके शुरू कर रहे थे। तो इसके तहत एक पेशेंट अगर 10 दिन रहता है तो उसे 18,000 रुपये खर्चा आया है, एवरेज 18,000 रुपये तनासुब के हिसाब से बहुत ही कम है। तो कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स इसका जो है बहुत आसान, दूसरे हॉस्पिटल को हमें अगर मुकाबले में करते हैं तो कास्ट के अतबार से इसका कास्ट बिल्कुल कम हुआ। तो अभी जो 125 पेशेंट जो है आपके यहाँ पे ट्रीट हो चुके हैं, तो अभी प्रेजेंट कितने वहाँ पे जो एडमिट हुए? अब हमारे पास 25 बेड्स फिल हैं और भी 15 बेड्स जो हैं खाली हैं, और ये जो इन्फेक्शन का ये जो है कम होते नज़र आ रहा है, सब जगह आप बेड्स की अवेलेबिलिटी है। सर,
सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे कर रहे हैं, तो जो कोविड के वार्ड के अंदर जाने के लिए हर आदमी को जो है, जो भी कोविड की वार्ड के अंदर जाना चाहता है, तो उनका जो है उनकी हिफाजत के लिए पीपी किट बहुत ज़रूरी है। तो ये पीपी किट्स जो है, आपको कहीं से कुछ डोनेशन मिला है या अस्पताल के ज़रिए से आप पीपी किट्स नर्स वगैरह को दे रहे हैं, डॉक्टर्स को दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में मस्जिदों से हमें ये हॉस्पिटल को चलाना है। मस्जिदों की जो कमेटियाँ हैं वही बुनियाद है। तो हमें पीपी किट ही नहीं, जैसा कि बेड्स हमें तकरीबन 30 बेड्स चाहिए था। तो मस्जिद नूर के साथ ही वो वहाँ की एक उनकी एक एसोसिएशन है, उन्होंने 30 बेड्स मुहैया किए। उसके अलावा एक 7-8 बेड्स जो हैं दूसरे अहबाब मुहैया किए। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, शुरू में हमें कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत थी। तो एक बहुत बड़ा 10 कंसंट्रेटर्स 10 लीटर के जो है वो हमारे रिफा मस्जिद है, उसका एक सहारा ट्रस्ट है, एक उनके अहबाब मुहैया किए। तकरीबन वो 10-12 लाख रुपए हो जाता है। और भी 6-7 जो है 5 लीटर के कंसंट्रेटर्स जो हुए वो हमारे यहाँ लोकल डोनर्स दिए हैं। इसी तरीके से हर चीज़ जो है हमारे मसाजिद के साथी डोनेट किए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इसीलिए कम होता है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि पेशेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन, कोई इन्वेस्टमेंट का जो है बर्डन नहीं होता। जी जी, तो आपने जो चैलेंज लेके जो शुरू किया था इस काम को, वो उसके तहत जो है आपका, आप क्या समझते हैं कि आप किस हद तक कामयाबी हासिल की है? नहीं, कोई काम करना है तो मरहले पेश आते हैं। इसके सेकेंड वेव में जो है ऑक्सीजन का बड़ा मरहला, तो ऑक्सीजन के लिए हमें एक जदोजहद पड़े करे और कोशिश इत हद तक हुई कि दिन रात मेहनत किए हैं साथी हमारे। तो हुकूमत से जो है मुतालिबा था, और इसके ज़रिए से हमारे एरिया के MP भी आए, और हमारे जो ज़िम्मेदार थे शहर के वो ज़िम्मेदार जो है हमारा साथ दिए, और माशाल्लाह हमें रोज़ाना 30-35 सिलेंडर्स जो है ऑक्सीजन के अलाट हुए। बहुत बड़ा काम हुआ है, हमारे जितने भी बेड्स हैं ऑक्सीजन बेड्स हो गए। इसीलिए जो है यहाँ मॉर्टेलिटी जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, एक भी डेथ नहीं हुआ। इसीलिए हमें इस पर फख्र से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट है इक्विपमेंट्स का, ऑक्सीजन का और स्टाफ का। स्टाफ भी जो है हमें कमो पेश नहीं किए, हमारे पास दिन रात 30 अहबाब काम किए हैं। 30 अहबाब जी, कोई कमी महसूस नहीं हुई। फारुखिया से जो कोविड केयर सेंटर बना है, फारुखिया कोविड केयर सेंटर और MMA हॉस्पिटल से क्या लगत है सर? फारुखिया कोविड सेंटर का जो बुनियाद जो है, हम सोचे थे कि हम ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ फिल हो गई, इन्फेक्शन ज़्यादा था। हमारे साथी जुड़कर सोचे कि भी हमें फिर से एक क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे, लेकिन हमारे साथियों में उतनी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। तब जाकर जो है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन करना पड़ा। हम वहाँ गवर्नमेंट भी पूरा 50% पार्टिसिपेशन है, और हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ MMA से जो है हमें उनको ऑक्सीजन पाइपलाइंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगा कर दिए, और उसके साथ जो है खाना भी दे रहे हैं। खाना जो है हमारे साथ मिलकर जो साथी काम कर रहे हैं उनकी जानिब से भी हो रहा है, और हमारा तो एक बहुत बड़ा ताउन खाने के उन्वान से हो रहा है। जी सर, फारुखिया में कहा गया कि जो भी पेशेंट फारुखिया कोविड केयर सेंटर में एडमिट होना है उसको पहले जो है MMA हॉस्पिटल में आकर जो है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के जाना है, वो ये किस लिए सर? वो पहले ऐसा सोचे हमें, क्योंकि पेशेंट्स की ये सिम्टोमेटिक जो पेशेंट है, इन्फेक्शन जिसके पास कम है, उसका मायना करना ज़रूरी था। बग़ैर मायने के ये सेकेंड लेयर में हमें इन्फेक्शन का रेट मालूम नहीं होता, बजाय तो उसके सैचुरेशन वगैरह नहीं, सैचुरेशन चेक करने से भी मालूम नहीं था। उसे ब्लड चेक करना है, CT स्कैन कराना है, एक्सर जो है वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनको जो है फारुखिया कोविड केयर सेंटर में उनको एडमिट किया जाता है। ये किस लिए सर?
इसलिए क्योंकि फारूक है बेसिकली आइसोलेशन सेंटर, वो ट्रीटमेंट सेंटर नहीं, जो आइडियोलॉजी थी क्वारंटाइन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर है कि क्योंकि हमारा जो यहाँ का लोकल कम्युनिटी है ओवर पॉपुलेटेड है, तो एक पेशेंट एक घर में रहता है तो उसे होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते, उन्हें सारों को फैलाता है, तो उसे आइसोलेट करने के वास्ते क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब ये पेशेंट्स को समझ में नहीं आता कि भी कौन से पेशेंट को क्वारंटाइन करना है, कौन से पेशेंट हॉस्पिटल में रहना है, तो हमारे डॉक्टर्स उसे वॉलंटियर करके एक सर्विस दिए कि भी हमें सामने बढ़ को ये काम होम के वास्ते करते हैं फ्री में, कि भी हमारे पास आ जाओ हमें इवैल्यूएट कर दें कि उस हॉस्पिटल को जाना है क्या आपको क्वारंटाइन सेंटर में जाना है। हमें बोलते थे कि भाई आप हॉस्पिटल को जाना है, हॉस्पिटल आप DH को भी जा सकते हैं, कोलंबिया को भी जा सकते हैं, अपोलो को भी जा सकते हैं, या BD हॉस्पिटल को जा सकते हैं, या फिर कोई भी हॉस्पिटल को आपके जिम्मे है, हमारे हॉस्पिटल भी अगर बैठे तो अवेलेबल है, आपकी आपकी मर्जी। और कोई पेशेंट स्टेबल होता है कि हमें लगता है कि आने वाले 10 दिन में उसे मिनिमम माइल्ड टू मॉडरेट ट्रीट करके भेज सकते हैं, तो उसे फारूकिया में भी कर सकते हैं, तो हमारे डॉक्टर से इवैल्यूएट करके फारूकिया को रेफर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, पेशेंटों को बार बार इधर से उधर आना था, उधर से इधर जाना था, कन्फ्यूजन होता था, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी होगी, तो पेशेंट्स की कन्वीनियंस के वास्ते हमें क्या करें, ये डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल कर डालें कि भाई ये फारूकिया में कर डालें कि वो काम जो डॉक्टर्स यहाँ करते थे वो काम वो डॉक्टर्स वहाँ चले गए, पेशेंट को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर इवैल्यूएट कर पाओ। अगर कोई पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट है जिसका इलाज 10-12 दिन में हो सकता है, तो वहाँ पर वहीं पर एडमिट किया जा रहा है, तो ये सर्विस चल रही है। और दो मसाजिद जो लास्ट टाइम कोविड में डॉक्टर काम कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट टाइम से कोविड निकले पा रहे हैं, यू नो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो है ये मॉर्टेलिटी की नहीं हुई है, ये रीजन है वो डॉक्टर जल्दी पकड़ सकते थे कोविड प्रॉब्लम्स को, तो हमें एमएम में इसलिए शुरू करें कि वो डॉक्टर्स कोविड के स्पेशल हमारे पास थे, वहाँ नए डॉक्टर्स थे उसका एक्सपीरियंस नहीं कि मॉर्टेलिटी की हमारे पास कितना कम है करके बोला, तो हमारे पास जो कोविड के डॉक्टर्स की और जो नर्सेस की और वॉलंटियर्स की जो टीम है उन्होंने एक्सपीरियंस है, जो पिछले साल अक्टूबर तीन में जो फर्स्ट वेव में काम करके थे, तो एक्सपीरियंस्ड टीम को हमें पूरे एनमास यहाँ पे हमें रिक्रूट कर ले हमारे एमएमए में, तो इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, हमारे पास कंसल्टेंट्स भी बेहतरीन थे, ड्यूटी डॉक्टर्स भी अच्छे थे, सब कोविड से एक्सपीरियंस थे, और हमें उसे अग्रेसिवली ट्रीट करते थे, हमें ऐसा नहीं करते थे कि भाई पहले दिन मेडिसिन कम डालेंगे, ज़्यादा हुआ तो दूसरे दिन इंजेक्शन देंगे, हमें पहले दिन से इंजेक्शन थोड़ा अच्छा डोज देते थे, जो एडिक्वेट डोज था वो देते थे, पहले दिन से आने वाले कॉम्प्लिकेशन को हमें गेस करते थे, तो उसे कॉम्प्लिकेशन को भी उसे हैंडल करने के वास्ते क्या क्या करना पड़ता वो सब करते थे, इसलिए क्योंकि हमारे पास टीम अच्छी थी और हमारे पास जल्दी उसका इलाज होता था, तो मॉर्टेलिटी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़ीरो। थैंक यू सर। PPE किट्स जो है हमें ज़्यादातर मुबीन मस्जिद से हमें मिले, वो डोनेट किए, तो वो लोग जो है हाँ, वो कुछ किट्स डोनेट किए, कुछ नहीं ज़्यादातर ज़्यादातर, और दूसरा अबू तलहा मस्जिद से हमें पूरा ऑक्सीजन का पाइपलाइन का काम किया करके दिए, वो एक बहुत बड़ा काम हुआ है, यानी मस्जिद की कमेटियों से जो बुनियाद है मैंने कहा था ये मसाजिद से हमें चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हमारे पास जो है बर्डन पेशेंट्स पर नहीं होता है। ठीक है सर। वो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मैसूर मसाजिद की जानिब से MMA हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, ये हॉस्पिटल नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से चलाया जा रहा है, इसमें कमेटी वाले जो भी हॉस्पिटल वाले हैं उनका इसमें क्या भी नहीं, आखिरत का इसमें सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, और ये पूरे मसाजिद वाले मिलकर कर रही है, और इसमें हमें मेटर्निटी का जब हमें जो हॉस्पिटल खोली सेकेंड फ्लोर में हमारा मेटर्निटी का मेन प्रोग्राम है हमारा इंशाल्लाह, जब ये कोविड का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद से हमें गवर्नमेंट मिशनरीज के वास्ते इंतज़ाम कर रही, अदमिया से भी बात चला रही, और हमें असलम कमेटी वाले भी इसके बारे में फ़िक्र कर रही, अगर कोविड जाने के बाद इंशाल्लाह एक महीने के अंदर ये डिलीवरी का मेटर्निटी का है JHT का वो प्रोग्राम हमारा मेन प्रोग्राम ही वो है, इसमें हमारे माहिर डॉक्टर्स उसके लेडीज़ डॉक्टर्स को लिया जाएगा, नर्सेस भी नर्सेस रहेंगे, और हम ये कोविड ख़त्म होने के बाद में उसकी शुरुआत पूरे पर्दे के साथ हमारा मेन पर्दे के साथ हमारा ये कॉन्सर्ट है जी। और
मिशनरीज का जो जरूरत है वो इंशाल्लाह हमें अल्लाह के फजल से सब बहुत कमेटियाँ वाले और मस्जिदों वाले करोड़ से ज्यादा अब तक 1 करोड़ के ऊपर काम होकर है। अभी एक हमें 15 से 20 लाख की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आपका ताउन रहा तो इंशाल्लाह। आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है फ्यूचर आपके प्लान्स क्या है सर, इसको डेवलप करने के लिए लेकर जो है क्या प्लान्स है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा MMA हॉस्पिटल बनी, सब मस्जिद वाले मिल को पूरे MMA हॉस्पिटल 6 महीने ओवर स्टार्ट करे, और वैसा अच्छे नो लॉस नो प्रॉफिट में स्टार्ट करी। और फ्यूचर प्लान क्या कर बोले तो 1 एकड़ जगह पूरे जने मिल को उस जगह देख रही हूँ, जगह बोते मन 1 एकड़ हॉस्पिटल खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं। ऐसा अच्छे अब MMA हॉस्पिटल को 1 से 20 मस्जिद जुड़ को पूरे और शहर जुड़ को पूरा मैसूर साथ दे रहा है, ताउन कर रहा है। ऐसा ताउन हमारा साथ रहा तो इंशाल्लाह 1 एकड़ हॉस्पिटल हमें इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाएंगे। तो क्या वो राजीव नगर के आसपास में ही सोच रहे हैं या कहीं दूसरी जगह? नहीं, राजीव नगर आसपास, शांति नगर, राजीव नगर, कहाँ भी 1 एकड़ जगह में बनाएंगे। कहाँ सहूलत होती है पूरे मिल को मस्जिद वाले बात करके बनाएंगे इंशाल्लाह। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम हुआ जो इतना बड़ा बेड़ा जो है हम उठाने का काबिल के बनाए। सबसे पहले पीस कमेटी के नौजवानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो नाश्ते का इंतज़ाम कर रहे हैं। और दूसरा मैसूर एयर कंडीशन एसोसिएशन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो शाम का खाना MMA और मैसूर या फॉर कोविड सेंटर को मुहैया कर रहे हैं। और तीसरा मैं सागर गैस का मुख्तार भी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सभी हजरत जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हमें मदद किया उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। पीस कमेटी का शुक्रिया, खाने का जो नाश्ते का जो इंतज़ाम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया। हमारे MMA फारूक है सब।